हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द मोम क्लासेज में। और जो कर रहे हैं राजस्थान पुलिस की तैयारी, तो लगाइए मोस्ट इम्पोर्टेंट आज का ये वीडियो, क्योंकि सुर्खियों में है नादौन पुलिस थाने का देश का सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ पुलिस थाना बनने का दर्जा मिला है। कौन सा पुलिस थाना है नादौन पुलिस थाना, और इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं गुरुजी। और नादौन पुलिस थानों कठिन है तो वो देख लियो। नादौन पुलिस थानों जो कि कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और नादौन पुलिस थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने बनने का दर्जा मिला है। नादौन जो है ये हिमाचल प्रदेश में है और राज्य का देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना बन गया है। नादौन पुलिस थाना हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में स्थित है। अब कौन से ज़िले में स्थित है वो भी पूछ सके, तो हमीरपुर में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सा पुलिस थाना, नादौन पुलिस थानों। नेक्स्ट बात करा नादौन पुलिस थाने, भारत के गृह मंत्री जो अमित शाह है, इनके द्वारा नादौन पुलिस थाना जो स्टेशन है इसको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सलेंस प्रदान किया गया। किन के द्वारा, अमित शाह के द्वारा। हमीरपुर में स्थित है, अमित शाह ने इसे सर्टिफिकेट ऑफ एक्सलेंस दिया। हिमाचल प्रदेश में स्थित है और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा भारत के पुलिस थानों को निश्चित मापकों के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है, ताकि देश के पुलिस थानों को उत्कृष्टता को बढ़ावा दिया जा सके। तो अभी इनको रैंकिंग कौन प्रदान करता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा इनको रैंक प्रदान की जाती है कि इनके कार्य और इनके जो नियम होते हैं उनके आधार पर कितनी रैंक प्रदान की जाए। नेक्स्ट बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी, यहाँ की शिमला है। क्षेत्रफल की बात करें तो 55,673 वर्ग किलोमीटर है और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय है। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किस राज्य के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं और उसके वर्तमान जो पुलिस स्टेशन है इसको सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है, तो वो है हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री की बात करें तो जयराम ठाकुर है। विधानमंडल एक सदनीय है और विधानसभा सीटों की संख्या 68 है। तो हमने बात की राजधानी शिमला की और इसी के साथ बात किया क्षेत्रफल के 55,673 वर्ग किलोमीटर, और बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है, एक सदनीय विधानमंडल है और विधानसभा 68 है। यहाँ पर द्विसदनीय होता तो क्या होता, तो यहाँ पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होता। नेक्स्ट बात करें भारतीय संसद में कितना योगदान है, तो 3 सीटें हैं राज्यसभा में और 4 सीटें हैं लोकसभा में, और इसी के साथ हमने बात की 68 सीटें हैं विधानसभा के अंदर। विशेष क्या है, नेचुरल बर्फ स्केटिंग रैंक है और यहाँ के कसोल गांव में मिनी इसराइल कहा जाता है। अब बात करें कि हिमाचल जो प्रदेश है इसमें यहाँ के जो कसोल गांव है, कौन सा गांव है कसोल गांव, इसे मिनी इसराइल कहा जाता है। कौन सा इसराइल, मिनी इसराइल कहा जाता है, और यहाँ पर बर्फ स्केटिंग रिंक है। बर्फ स्केटिंग यानी बर्फ़ के जो पहाड़ होते हैं उन पर जो जो आदमी दौड़ता है, रनिंग जो करता है, जो वो होती है बर्फ स्केटिंग, और रिंक यहाँ पर मौजूद है। मनाला गांव के लोग खुद को सिकंदर का वंशज मानते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट तीनों ही फैक्ट। बर्फ स्केटिंग कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। कसोल गांव को मिनी इसराइल कहा जाता है, कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मनाला गांव के लोग को खुद को सिकंदर का वंशज मानते हैं, कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट बात करें, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमसे जुड़िए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से जोड़ने का प्रयास करें। आप सभी का यही प्यार रहेगा। थैंक यू।